अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक पढ़ेंगे मराठी मज़मून के सारखे काय में पार्ट टू, जिसमें हम देखेंगे कि और भी कौन से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों में एक जैसे मिलते जुलते अक्षर है यानी हर्फ है, और वो कहाँ पे आते हैं, या तो वो पहले आते हैं शब्द के या फिर आखिर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि नाक, बदक और पालक, तीनों में एक जैसा क्या है आप बताओ? क, वेरी गुड। और वो कहाँ पे है? शब्द के आखिर में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है कि कान, पवन और पान। देखिए, हमको राइमिंग पे नहीं जाना है, पान, कान, तान इस तरह से हमको नहीं देखना है। हमको देखना है कि शब्दों के आखिर में एक जैसा अक्षर कौन सा आता है ना। जैसे यहाँ पे पान है, यहाँ पे पवन है और यहाँ पे कान है, इनके आखिर में क्या आ रहा है? न, वेरी गुड। अब देखिए, इसमें भी भैंस, बस और अनानास आखिर में, लफ्ज़ के किसी शब्द के आखिर में जिस हुरुफ की आवाज़ आ रही है वो एक जैसे हुरुफ है। जैसे स, स इसमें क्या है? एक जैसा है ना। इसके बाद देखिए, अब यहाँ तस्वीर नहीं है तो इसमें आप देखेंगे कि ऊंट और उंदीर, शुरुआत में क्या है? ऊ और उंदीर, दोनों में ऊ जो है वो एक जैसा है। उसके बाद रड़ा और कोमड़ा, आखिर में ल जो है डा वो एक जैसा आया है। उसके बाद मुड़ा और कावड़ा, दोनों में आखिर में ला क्या है? एक जैसा है। और अब ये तस्वीर को देखिए आप, इसमें आप देखेंगे कि घुंघरू और पेरू, दोनों में आखिर में क्या आ रहा है? रू, रू। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके आखिर में और शुरुआत में लफ्ज़ हर्फ आते हैं। अब ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर लफ्ज़ों के से आप मुतासिर होंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह के हर्फ और अक्षर आखिर में आते हैं। जैसे इसमें देखिए, कपाट, ताट और खाट, तीनों इसमें ट, ट और ट आखिर में तो आया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? अब देखिए, ये एक तस्वीर है जिसमें बहुत सारे अल्फाज शब्द दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इन तस्वीर में से जिन शब्दों के अल्फाजों के आखिर में और शुरुआत में मिला जुला हर्फ, मिला जुला अक्षर आता है, उस पर गोल दायरा बनाना है। करेंगे सब लोग? वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए और अच्छी तरह कामयाब होइए। बहुत बहुत शुक्रिया।